फाइनली गाइस हमारे रोहित सर ने जेसीबी का चीट कोड नंबर बता दिया है, जो कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हमारे रोहित सर चीट कोड नंबर बताएंगे हमारे जेसीबी का, तो फाइनली मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो बनाकर बता दूंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली हमारे रोहित सर ने जेसीबी का चीट कोड नंबर बता दिया है। हमको कुछ नहीं पता। आप लोगों को कुछ नहीं पता है तो फाइनली हमारा ये वाला वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने जेसीबी ले लिया है। तो फाइनली ये वाला वीडियो देखने के बाद में आप लोग भी हमारे गेम में फाइनली हमारे जेसीबी को स्पॉन कर पाओगे एंड फाइनली हमारी ये वाली जेसीबी को ड्राइविंग भी कर पाओगे। तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो फाइनली मैं जेसीबी को ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, जो कि काफी अमेजिंग है। और फटाफट से मैं आप लोगों को जेसीबी का चीट कोड नंबर बता देता हूँ, तो आप लोग भी फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना प्लीज, या लाइक कर देना। और गाइस मैंने इंडियन बैंक में फाइनली हमारी ये वाली जेसीबी लेने के बाद में मुझे काफी ज्यादा मजे आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये वाली जेसीबी से फाइनली मैं किसी को उठा भी सकता हूँ फाइनली हमारे सूंड से, जो कि काफी अमेजिंग वर्क करती है। जो कि गाइस मैंने आप लोगों को बोला था कि वर्क वाली जेसीबी चाहिए तो कमेंट्स में कमेंट कर देना, और फाइनली आप लोगों ने कमेंट्स में कमेंट भी कर दिया था। जो कि गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने वर्क वाली जेसीबी ऐड करवा दी है, जो कि काफी अमेजिंग है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं जेसीबी की ड्राइविंग करता हूँ एंड इसके कंट्रोल भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, काफी ज्यादा आप लोग कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाते हैं हमारे जेसीबी के। तो अभी आप लोगों को बिना किसी तरीके फाइनली हमारा चीट कोड बता देता हूँ एंड गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, नहीं तो गाइस आप लोग ये वाली एम्बुलेंस का चीट कोड मिस कर दोगे। फिर आप लोग कौन सा कमेंट करोगे भाई हमको एम्बुलेंस का चीट कोड नंबर नहीं पता है, एंड उसी के साथ साथ में आप लोग कौन सा कमेंट करोगे भाई हमको जेसीबी देखने को नहीं मिली है एंड आप लोगों को जेसीबी कैसे देखने को मिली है। तो फाइनली हमारे रोहित सर ने जो चीट कोड नंबर बताया है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वीडियो के बीच में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो गाइस आप लोग ये वाली जेसीबी को हमारे गेम में एंजॉय नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो मैं इंडियन बैकग्राउंड में फाइनली हमारा जेसीबी ले लिया है, जो कि गाइस हमारे रोहित सर ने चीट कोड नंबर बताया है वो वाला चीट कोड मैंने डाले और फाइनली हमारे गेम में फाइनली हमारी जेसीबी रिस्पॉन हो चुका है। तो फाइनली मैं आप लोगों को जेसीबी का चीट कोड नंबर बताऊंगा और जैसे आप लोग हमारे इंडियन बैकग्राउंड थोड़ी गेम के अंदर डालोगे तो फाइनली आप लोगों को ये वाला जेसीबी देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को बिना किसी तरीके हमारे जेसीबी का चीट कोड नंबर बता देता हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यहां पर आप लोग देख ही सकते हो मैं बुलेरो कार को ड्राइविंग कर रहा हूं, जो कि काफी अमेजिंग है। तो अभी मैं आप लोगों को बिना किसी तरीके न्यू चीट कोड बता देता हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे फर्स्ट में मैं आप लोगों को चीट कोड बताने वाला हूं फाइनली हमारी फरारी कार का, जो कि आप लोगों को लगा देना 8111। तो फाइनली आप लोगों को हमारी फरारी कार देखने को मिल जाएगी एंड इसका कलर वगैरह आप लोग चेंज करोगे तो काफी अमेजिंग लगेगी, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट कोड बता देता हूँ हमारी मस्टैंग कार का, जो कि गाइस आप लोगों को लगा देना होगा 8123, तो आप लोगों को हमारी मस्टैंग कार देखने को मिल जाएगी। एंड अभी मैं आप लोगों को कोड बता देता हूँ हमारी सुपरा कार का, जो कि गाइस आप लोगों को लगा देना होगा 2244, तो आप लोगों को हमारी सुपरा कार देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो एंड इसका कलर मैं आप लोग को चेंज करके दिखा देता हूँ, जो कि काफी अमेजिंग है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। एंड अभी मैं आप लोगों को चीट कोड बता देता हूँ हमारे हॉर्स का, जो कि गाइस आप लोगों को लगा देना होगा 200, तो आप लोगों को हमारा घोड़ा देखने को मिल जाएगा। पता नहीं ये घोड़ा या घोड़ी, तो आप लोग हमारे उसको कॉमेंट करके बता देना घोड़ा या घोड़ी। चलो मैं नेक्स्ट कोड आप लोगों को बता देता हूँ हमारे डॉग का, जो कि गाइस आप लोगों को लगा देना होगा 600, तो आप लोगों को हमारा डॉग देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो मैं जेसीबी को ड्राइविंग कर रहा हूँ और फाइनली मैं आप लोगों को हमारे जेसीबी का चीट कोड नंबर भी बताने वाला हूँ, जो कि गाइस मैं आप लोगों को चीट कोड बताऊंगा और जैसे आप लोग हमारे इंडियन बैकग्राउंड के अंदर जेसीबी का चीट कोड नंबर डालोगे तो फाइनली आप लोगों को ये वाली जेसीबी देखने को मिल जाएगी। तो अभी मैं आप लोगों को चीट कोड बता देता हूँ फाइनली हमारी बुलेरो कार का, जो कि गाइस आप लोगों को लगा देना होगा 3100, जो कि गाइस आप लोगों को हमारी बुलेरो कार देखने को मिल जाएगी। एंड जेट पैक के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 330, जो कि गाइस आप लोगों को हमारा मिनी जेट पैक देखने को मिल जाएगा। एंड बिग वाला जेट पैक के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 320, जो कि गाइस आप लोगों को हमारा बिग वाला जेट पैक देखने को मिल जाएगा। चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को चीट कोड बता देता हूँ हमारे फायर इंजन का, जो कि गाइस आप लोगों को लगा देना होगा 606, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो हमारा न्यू वाला फायर इंजन स्पॉन हो चुका है। और अभी मैं आप लोगों को चीट कोड बताने वाला हूँ फाइनली गाइस हमारे ट्रक का, जो कि गाइस आप लोगों को लगा देना होगा 1212, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो हमारा ट्रक स्पॉन हो चुका है एंड इसका कलर मैं आप लोगों को चेंज करके दिखा देता हूँ, जो कि काफी अमेजिंग है। और ट्रक ट्रॉली के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 01212, तो आप लोगों को हमारी ट्रक ट्रॉली देखने को मिल जाएगी। एंड लेजेंड कार के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 1001, तो आप लोगों को हमारी लेजेंड कार देखने को मिल जाएगी। और गाइस अभी जो मैं आप लोगों को चीट कोड नंबर बताने वाला हूँ वो काफी भाई लोगों को नहीं पता है, तो फाइनली हमारी फॉर्च्यूनर कार के लिए 1000 लगा देना है, जो कि गाइस आप लोगों को हमारी फॉर्च्यूनर कार देखने को मिल जाएगी। तो किस किस को ये वाला चीट कोड नंबर पहले से पता था कौन सा कमेंट करके बता देना। अगर इस आप लोगों को हमारी फॉर्च्यूनर कार का चीट कोड नंबर पहले से पता था तो यस लिख देना और नहीं पता था तो नो लिख देना। और स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 3x3, तो आप लोगों को हमारी स्कॉर्पियो कार देखने को मिल जाएगी। और स्कॉर्पियो ए सिलेन के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 443x का, तो आप लोगों को हमारी स्कॉर्पियो ए सिलेन देखने को मिल जाएगी। एंड पुलिस कार के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 100, तो आप लोगों को हमारी पुलिस कार देखने को मिल जाएगी। एंड एसयूवी पुलिस कार के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 101, तो आप लोगों को हमारी एसयूवी पुलिस कार देखने को मिल जाएगी। और हमारी थार के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 90, तो आप लोगों को हमारी थार देखने को मिल जाएगी। और फाइनली हमारी रेंज रवर के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 664x का, तो आप लोगों को हमारी रेंज रवर कार देखने को मिल जाएगी। और नंबर गिनी V2 के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 700, तो आप लोगों को हमारी नंबर गिनी V2 देखने को मिल जाएगी। एंड रोल्स रॉयल कार के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 2000, तो आप लोगों को हमारी रोल्स रॉयल कार देखने को मिल जाएगी। एंड ये वाली कार के लिए लगा देना होगा 900, तो आप लोग ये
वाली कौन सी कार है मुझे पता नहीं है, तो आप लोग नाम कमेंट उसमें कमेंट कर देना। एंड हमारी टार्जन कार के लिए लगा देने को आप लोगों को 300, तो आप लोगों को हमारी टार्जन कार देखने को मिल जाएगी। एंड बुगाटी V2 के लिए आप लोगों को लगा देने का 800, तो फाइनली आप लोगों को हमारी बुगाटी V2 देखने को मिल जाएगी। एंड ओडी कार के लिए लगा देना को 500, तो आप लोगों को हमारी ओडी कार देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आप लोगों को इतने कार के चीट कोड नंबर बता दिए, तो हमारी JCB और फाइनली हमारी एम्बुलेंस का चीट कोड नंबर भी आप लोगों को देने वाला हूँ। और आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया यार, फाइनली इसमें आप लोगों को JCB का चीट कोड नंबर बताने वाला था, बट आप लोगों ने अभी तक 1K लाइक का टारगेट कंप्लीट नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फाइनली आप लोग अभी भी लाइक कर दीजिए, फाइनली इसमें आप लोगों को JCB का चीट कोड नंबर बताने वाला हूँ अभी, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो कैसे आप लोग चीट कोड मिस हो जाएंगे, फिर आप लोग कमेंट करोगे भाई हमको चीट कोड नंबर नहीं पता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे पेट्रोल पंप पे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं पेट्रोल पंप पे आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे पेट्रोल डलवाने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अमेजिंग है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन आप लोग कैसे ले सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को चीट कोड नंबर बताने वाला हूँ हमारी ट्रोन बाइक का, जो कि कैसे आप लोगों को लगा देना होगा 6000, जो कि कैसे आप लोगों को हमारी ट्रोन बाइक देखने को मिल जाएगी। एंड कैसे हमारी एक्टिवा बाइक के लिए लगा देना होगा 004 bar का, जो कि कैसे आप लोगों को हमारी होंडा की न्यू एक्टिवा बाइक देखने को मिल जाएगी। एंड ZX10R बाइक के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 400, जो कि कैसे आप लोगों को हमारी ZX10R बाइक देखने को मिल जाएगी। एंड दुख के 1290 के लिए लगा देना होगा 884 bar का, जो कि कैसे आप लोगों को हमारी दुख के 1290 देखने को मिल जाएगी। एंड यामा F10 के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 883 bar का, तो आप लोगों को हमारी यामा F10 देखने को मिल जाएगी। एंड यामा वैमैक्स के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 993 bar का, तो आप लोगों को हमारी यामा वैमैक्स देखने को मिल जाएगी। एंड डुगाटी डेवल के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 773 bar का, तो आप लोगों को हमारी डुगाटी डेवल देखने को मिल जाएगी। और फाइनली हमारी कोबरा बाइक के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 444 bar का, तो आप लोगों को हमारी कोबरा बाइक देखने को मिल जाएगी। और अप्पाजी बाइक के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 40-50, जो कि कैसे आप लोगों को हमारी अप्पाजी बाइक देखने को मिल जाएगी। एंड पल्सर R200 के लिए लगा देना होगा 5000, जो कि कैसे आप लोगों को हमारी पल्सर R200 देखने को मिल जाएगी। और फाइनली अभी मैं आप लोगों को चीट कोड बता देता हूँ रॉयल बुलेट का, जो कि कैसे आप लोगों को लगा देना होगा 994 bar का, जो कि कैसे आप लोगों को हमारी रॉयल बुलेट देखने को मिल जाएगी। और गाइस हमारी स्प्लेंडर बाइक के लिए लगा देना होगा 9000, जो कि कैसे आप लोगों को हमारी स्प्लेंडर बाइक देखने को मिल जाएगी। एंड हायाबुसा के लिए लगा देना होगा 7000, जो कि कैसे आप लोगों को हमारी हायाबुसा बाइक देखने को मिल जाएगी। एंड एक्टिवा के लिए लगा देना होगा 224 bar का, जो कि कैसे आप लोगों को एक्टिवा बाइक देखने को मिल जाएगी। एंड न्यू KTM के लिए लगा देना होगा 1190, जो कि कैसे आप लोगों को हमारी न्यू KTM देखने को मिल जाएगी। एंड दुख के लिए आप लोगों को लगा देना होगा 4215, तो आप लोगों को हमारी दुख के बाइक देखने को मिल जाएगी। और KTM के लिए लगा देना होगा 1210, जो कि कैसे आप लोगों को हमारी KTM देखने को मिल जाएगी। एंड पल्सर के लिए लगा देना होगा 1211, तो आप लोगों को हमारी पल्सर देखने को मिल जाएगी। एंड यामा R15 के लिए लगा देना होगा 0015, तो आप लोगों को हमारी यामा R15 देखने को मिल जाएगी। और कवासकी निंजा के लिए लगा देना होगा 3000, जो कि कैसे आप लोगों को हमारी कवासकी निंजा देखने को मिल जाएगी। और गाइस अभी जो मैं आप लोगों को चीट कोड नंबर बताने वाला हूँ फाइनली हमारी गोस्ट राइडर बाइक का, जो कि आप लोगों को लगा देना होगा 554 bar का, जो कि आप लोगों को हमारी गोस्ट राइडर बाइक देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफी अमेजिंग बाइक है। एंड ये वाली बाइक अगर किसी बाइक के पास में जाएगी तो आग वगैरह लगा देगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो एरोप्लेन का चीट कोड नंबर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बिना किसी तरीके, जो कि गाइस हमारे छोटे वाले एरोप्लेन के लिए लगा देना है आप लोगों को 553 bar का, जो कि गाइस आप लोगों को हमारा छोटा वाला एरोप्लेन देखने को मिल जाएगा। एंड हेलीकॉप्टर के लिए लगा देना होगा 8000, जो कि गाइस आप लोगों को हमारा हेलीकॉप्टर देखने को मिल जाएगा, काफी अमेजिंग है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने JCB भी ले लिया है, जो कि काफी अमेजिंग है। और फाइनली हमारे रोहित सर ने इसका चीट कोड नंबर भी बता दिया है। और फाइनली सर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप लोग मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई 100% दे दूंगा। तो फटाफट से जाकर मुझे मैसेज कर देना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये JCB ऐड हो चुका है, जो कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एंड गाइस हमारे JCB के अलावा आप लोगों को और क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फाइनली आप लोगों को इस वाले न्यू अपडेट में फाइनली हमारी निशान GTR कार देखने को मिल जाएगी, जो कि कंफर्म हो चुकी है। एंड गाइस आप लोगों को पता होगा मैं रोहित गेमिंग स्टूडियो सर के ग्रुप में ऐड हूँ, और वो कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते तो तुरंत मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर सबसे पहले बता देता हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और हाथ लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वाला ग्रुप का मैसेज आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। और फाइनली आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वाले अपडेट में आप लोगों को पुलिस स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा। और गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अलावा हमारे गेम में और कुछ ऐड होगा, तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर सबसे पहले बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर सेट कर देना। एंड अगर आप लोग मुझसे कुछ बात करना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड फाइनली हमारे रोहित सर और कुछ न्यू अपडेट की इन्फॉर्मेशन बताएंगे, तो तुरंत मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर सबसे पहले बता दूंगा। तो आज की वीडियो में फाइनली गाइस मैंने आप लोगों को सारी सारी न्यू अपडेट की इन्फॉर्मेशन बता दिए। तो इस तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फाइनली सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।